आप सबको पता है कि पुलवामा में क्या हुआ। इस घटना के बाद हम सब भारतीयों में एक जोश है, एक आक्रोश है, और आज मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरी हूँ ये जानने के लिए कि इस इंसिडेंट पे लोगों का क्या टेक है। आइए जानते हैं। Have you heard about पुलवामा अटैक? हाँ, हमको मालूम है। क्या कहना चाहेंगे उस पे? बहुत शर्मनाक हादसा था पाकिस्तान की तरफ से। भारत सरकार की ही कमी है जो ये आतंकवादी हमारे देश में पनपे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब मिल करके पाकिस्तान को उड़ा दो। लेकिन इस बार हमला पाकिस्तान ने नहीं, इस बार हमला जो है हमारे घर के जो कश्मीरी हैं उन्होंने किया है। किया तो सपोर्ट तो उन्हीं की है। जो विस्फोटर्स आया है ये कहाँ से आया? पाकिस्तान से तो आया है, हिंदुस्तान से तो गया नहीं है। दुश्मन है वही तो भेज रहा है उग्रवाद बना करके। ये उग्रवादी की जान में जम कहाँ है? उग्रवादी आ जाएगा अपना मन से। किया है, बहुत ही गलत किया है। हमने कभी कश्मीरियों को अलग नहीं माना है, बट वो हमें मानते हैं। भारत सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है, टैक्स फ्री कर दिया है, फिर भी वो पता नहीं क्यों। पाकिस्तानियों के लिए क्या सोचते हैं आप कि क्या करना चाहिए उनके साथ? पाकिस्तानी तो अटैक करने देना चाहिए, उनको खत्म ही कर दो, नक्शे से गायब कर दो। लेकिन सभी पाकिस्तानी तो ऐसे ही नहीं, तो पूरे पाकिस्तान को उड़ाना क्या ठीक होगा? सारे एक ही हैं। पाकिस्तानी खराब नहीं है। आज ही आप पाकिस्तान में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही आदर सत्कार, आपसे बहुत ही इज्जत से बात करेंगे। कुछ लोग हैं गिरे हुए, जिनकी सोच ही गिरी हुई है, जिनको वो जिनका नस्ल ही है आतंकवाद, मतलब कि परदादा से लेकर के अभी तक सब आतंकवाद बनते हुआ रहे हैं। तो ये जो घर के भेड़िए हैं इन्हें कैसे पहचाना जाए? कौन सी जात के हैं लोग ये? भारत सरकार को सब पता है कौन कौन लोग हैं। कश्मीर में मुसलमान भाई लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं। वो लोग इंडिया का खाना खाते हैं, पाकिस्तान के गुड़ खाते हैं। उन्हीं लोग से मिल करके अपना आतंकवाद करवा रहे हैं। इनको निकाल निकाल के मारो। मिलिट्री वालों को सबको पता है, जो पत्थरबाज हैं उनको ढूंढो, उनको दोबारा जो छोड़ दिए हैं उनको ढूंढ के मारो। इनका कोई जात नहीं है, इनका कोई धर्म ही नहीं है। ये चंद चंद रुपए में बिक जाने वाले लोग हैं। ये एक तरह गिरगिट है, हमेशा रंग बदलते रहते हैं। अभी आप पैसा दे दो तो आपके साथ है, अभी वो पैसे देंगे उनके साथ है। तो इनको पहचाना बहुत ही मुश्किल है। इवन इनको समझाना भी बहुत मुश्किल है। कुछ भी कर लो इनके लिए, कुछ भी कर लो यार, पूरा फ्री कर दो, खाना फ्री में खिला दो, दिन भर का नौकरी दे दो इनको, नहीं बदलने वाले हैं। इनका माइंडसेट सेटअप हो चुका है कि भाई साहब करना है तो करना है, दंगा करना है तो करना है। ये भेड़ियों को कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ एक ही इलाज है, अगर मैं गुस्से में बोलूँ, एक ही इलाज है, साले को मार डालो, सबको काट डालो और कुछ नहीं। ऐसे से लोगों को सच्ची बताओ ना, गला काट करके फेंक देना चाहिए कश्मीर के बाहर। जाओ सारे, तुम पाकिस्तान में रहो, इंडिया तुम्हारा को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे इंडिया में। व्हाट आई नो, देयर आर लॉट मेनी मदरसास, व्हाट दे टॉक, व्हाट दे से, व्हाट दे टीच, नोबडी नोस। मुस्लिम लोग आतंकवादी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो क्या मोदी जी को फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक ठीक ही कर दो, बहुत जरूरी है, डेली करनी चाहिए, एक नहीं डेली करनी चाहिए। अब ये सीज फायर तोड़े, हमें आक्रमण कर देना चाहिए एकदम। सीज फायर तोड़े हो, अब तोड़ो ना, हिम्मत है तोड़ के दिखाओ। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा है। अब उनके ऊपर छोड़ दिया है, अब ये सारे सुधर जाएंगे। अब मिलिट्री को पूरा दे दिया है पावर, अब ये सारे सुधर जाएंगे, अब दोबारा अटैक नहीं करेंगे। अब मोदी जी चाहें ये इनका तो बेड़ा गर्क कर देंगे। अब तो ये पॉलिटिकल हो सकता है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं? पॉलिटिकल भी हो सकता है, इलेक्शन आए जो तो कराया तो उसे पाकिस्तान ने, मोदी जी ना आए दोबारा। क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानियों के अंदर एक आक्रोश है, अगर आपके पास पावर आए कि आप पाकिस्तानियों के साथ क्या करना है, आप क्या लेंगे? पाकिस्तानियों को मार दूंगा मैं, एक एक पाकिस्तानी मार देंगे। ये हमारे लिए जो है एक नसूर बने हुए हैं। डिसीजन तो बहुत कुछ ले सकता हूँ, लेकिन अभी जो कि सडनली अटैक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अभी पाकिस्तान भी रेडी होगा अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, हम सडनली अटैक करेंगे तो हमारे ही जवान मारे जाएंगे, राइट? सो हमें सोच समझ कर कूटनीति अपनानी पड़ेगी, या तो कूटनीति या फिर रणनीति। रणनीति के लिए हमें थोड़ा सा ये वेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे देश की जनता वेट नहीं करना चाहती। ये मेरे एक सैनिक मारता है तो उसको पांच सैनिक मारो, सारे उड़ा दो। हाँ, पाकिस्तान को ही उड़ा दो। तब का मेरा दो सैनिक मारा गया, उसका दस सैनिक मारो। कि इंडिया को अब क्या टेक लेना चाहिए? लास्ट अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान में अटैक कर दो, और कश्मीरों जो उग्रवादी है उनको ढूंढ ढूंढ के मारो। खाते हिंदुस्तान, गाते पाकिस्तान का। सही।